الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ और अल्लाह वही ज़ात है जिसने तुम सबको एक जान से पैदा किया और उसने उसी जान से उसकी बीवी को भी पैदा किया ताकि वो उसके पास आकर के सुकून हासिल करे। तो जब मर्द ने औरत को ढांप लिया और हल्का सा बोझ औरत ने उठा लिया सो वो बोझ उठाकर चलती फिरती रही। जब उसे बोझ महसूस हुआ दोनों ने मिलकर अपने रब से दुआ की, ऐ हमारे रब, अगर तूने हमें सेहतमंद बच्चा अता किया तो हम ज़रूर शुक्रगुजार बंदों में होंगे। तो जब अल्लाह ताला ने उनको सेहतमंद तंदुरुस्त बच्चा अता कर दिया तो उन दोनों ने उसी बच्चे में अल्लाह ताला के शरीक बनाना शुरू कर दिए। तो अल्लाह ताला बहुत बुलंद और बरतर है उन सारी चीज़ों बातों से जिन बातों को ये शरीक बनाते हैं, शिर्क ठहराते हैं, जिन चीज़ों को अल्लाह ताला उससे बरतर है। 187 आयत से लेकर 190 तक सूरह आराफ की आयात है। ये तौहीद का जिक्र है कुरान करीम में, इसी तरह मजमून बार बार ये आते रहते हैं, यही कुरान करीम का अंदाज़ है और ये इसके अल्लाह ताला का कलाम होने की एक दलील है। असल चीज़ यही है कि इंसानों की जो सोच है, ज़हन है हमारा, उसको ठीक करना है और वो चंद बुनियादी चीज़ें हैं जिनको घुमा फिरा करके, उनमें पहले नंबर पर है तौहीद। अल्लाह ताला बंदे को अल्लाह ताला के साथ एक तो यकीन भी हो मजबूत और ये भी हो कि अल्लाह ताला सिर्फ़ एक ही है जो मेरा माबूद है, इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर है और इसी में इंसानों की सलाह और फलाह है। अगर इंसान सिरे से किसी खुदा का ही इनकार करे, अपने आप को ज़्यादा रोशन ख्याल कराए, उसे ज़िंदगी भर कभी चैन नहीं आता, वो माने या ना माने, वो भी हैरान परेशान सरगर्दान सारी ज़िंदगी रहता है, क्योंकि सारी कायनात की गुत्थियाँ सुलझती नहीं है ना कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और यूँ भी
को सुकून नहीं मिल सकता, इसलिए कि फितरत के खिलाफ उसका अकीदा और सोच है। ये अकीदा और सोच एक अमल है, इसको बेकार न समझा जाए, बेअसर न समझा जाए। किसी ख्याल किसी अकीदे से क्या फ़र्क पड़ता है, अगर फ़र्क न पड़ता तो इतनी ताकीद न की जाती। ईमान बहुत बड़ा अमल है, तो ईमान दिल के अकीदे का ही नाम है। तो अकीदा ठीक हो, इस पर बहुत जोर है, अपना ख्याल दुरुस्त करें और उस पर यकीन रखें पक्का, फिर देखें ज़िंदगी की गाड़ी कैसे दुरुस्त होती है। आपको हो सकता है कि 90% मसाइल और मुश्किलात जो ज़िंदगी की परेशानी और बेचैनी होती है वो हल हो जाएगी। सारी खराबी की बुनियाद असल में ये होती है, अकीदा कमज़ोर है, कुछ इधर भी ख्याल जा रहा है, कुछ उधर भी जा रहा है, डमनडोल है। तो इसलिए पहले इंसान को सारे अंबिया ने पहली दावत यही है, गाड़ी तब सीधी लाइन पर आ गई, पहले ये अकीदा ठीक करो। तो यहाँ से शुरू ये किया, फरमाया कि देखो तवज्जो दिलाई कि अल्लाह वो ज़ात है जिसने इंसानों तुमको एक ही इंसान से पैदा किया है, आदम अलैहिस्सलाम। तो आदमी को सोचना चाहिए कि वो अल्लाह ताला हमारे खालिक हैं, मालिक हैं, हमारा सिलसिला वहाँ से अल्लाह ने शुरू किया। फिर फरमाया कि उसी से अल्लाह ताला ने उनकी बीवी को भी पैदा किया। ये बता दिया कि अल्लाह ने इंसान की बेवा बीवी को उसी की जिन्स इंसानों में से बना दिया। क्यों? ताकि लियस्कुना इलैहा, उसकी असल जो हिकमत है और उसकी जो गर्ज़ गायत है वो भी बता दें कि अल्लाह ने सबसे पहले एक इंसान को पैदा किया है, उससे तुम चले हो। किस तरह चले हो? कि अल्लाह ने उसी से एक उसकी बीवी भी पैदा की, उन दोनों के मिलाप से आगे औलाद चली और पूरी दुनिया में इंसानों की आबादी फैल गई। लेकिन ये फरमाया कि उनकी जिन्स में से क्यों बनाया हमने बीवी को, उसकी गर्ज़ गायत क्या थी? लियस्कुना इलैहा, ताकि वो आदम उनके पास आकर के सुकून हासिल करें। कुरान करीम जो है ना, एक साथ कई कई, चूंकि अल्लाह का कलाम है ये, कई कई असूलों और बातों की तरफ रहनुमाई होती रहती है। तो इस आयत ने बता दिया कि निकाह का एक बड़ा मकसद या एक बड़ा फायदा, बड़ी गायत क्या है? सुकून, सुकून की ज़िंदगी। कि जब तक शोहर के सलीए बीवी नहीं होगी, सुकून नहीं होगा। और बीवी के लिए शोहर सुकून का बायस है, ये अल्लाह का बनाया हुआ फितरत का निज़ाम है। गैर फितरी तौर पर अगर नाजायज़ ताल्लुकात के तौर पर अगर लोग रहना बसना शुरू करें, कभी सुकून नहीं होगा। सुकून का रास्ता ही है। तो ये फरमाया कि उनकी बीवी उन्हीं की जिनसे इंसानों में से ही इसलिए हमने बनाकर उनको अता की, ताकि वो उनके पास आकर सुकून हासिल करें। लियस्कुना इलैहा, लिहाजा एक बड़ा मकसद और बड़ी गायत निकाह से ये है कि सुकून हासिल हो। और जब मर्द उसके पास आए घर से बाहर से अपने कामों से थका मारा, तो उसको सुकून मिलना चाहिए। अगर सुकून नहीं मिल रहा तो ये दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है। बीवी से अगर शोहर को, मर्द को सुकून न मिले तो दुनिया में सबसे बड़ी मुसीबत है, सबसे बड़ी परेशानी है। और अगर सुकून मिले तो ये घर दुनिया की जन्नत है।
तो सुकून के लिए बीवी अता की गई है, सुकून मिलेगा उसका दिमाग ठिकाने में होगा तो वो फिर काम भी करेगा, वो अल्लाह की इबादत भी ठीक तरीके से करेगा, बाकी मामलात भी दुरुस्त करेगा। अब सबको गुस्सा आ रहा है कि ये सारा, अब एक दफ़ा बीवियाँ मिले हम उनको सुनाएंगे कि अल्लाह ने कुरान ने बताया है कुरान में कि बीवी का मकसद यह है कि वो शोहर को सुकून पहुँचाए, तुमने मुझे बदसुकून रखा है। लेकिन अभी अभी आधी बात है, अगली बात भी सुन लें, अभी अधूरी बात है। अल्लाह ताला ये बात मर्दों को, औरतों को भी, लेकिन मर्दों को सुना रहे हैं, औरतें भी हैं, सारे इंसानों को खिताब है। इसमें बताना यह कि गर्ज़ो गायत तो यही है कि वो तुम्हारे लिए सुकून का बायस हो, लेकिन उसका इंतज़ाम की, बड़े सुकून मुहैया करने की बड़ी जिम्मेदारी तुम पर है। ऐसे असबाब से बचो जो बेसुकूनी का बायस बने, और उसमें ज़्यादा किरदार मर्द का होगा, औरत का भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं, औरत का भी है, बहुत बुनियादी किरदार है, लेकिन उस वक़्त के जब अपने मर्द अपने फ़राइज़ से, अपनी जिम्मेदारियों से पूरा कर चुका है, तो उसके बाद अगर बेसुकूनी है तो फिर वो सारी कसूरवार औरतों की। तो सुकून पैदा होता है सबसे पहले, देखें चूँकि अल्लाह ताला के, अल्लाह ने शुरू में ज़िक्र कर दिया कि तुम्हारा अकीदा और ईमान अल्लाह पर होना चाहिए जिसने तुम्हें पैदा किया है, उसके बंदे बन कर के रहो, उसी ने तुम्हें ये बीवी अता की है, ये भी उसकी नियामत है, उसके शुक्रगुजार बनो। अगर कोई इंसान अल्लाह की नाफरमानी के रास्ते पर है तो बीवी क्या 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 चीज़ें उसके लिए बेसुकूनी का बायस बन सकती हैं। सबसे पहले बंदा खुद अल्लाह की फरमाबरदारी के रास्ते पर आए, नंबर दो वो बीवी बच्चों के लिए भी इस बात का एहतमाम करे कि अल्लाह की नाफरमानी के रास्ते पर ना जाए, वरना वही बेसुकूनी का ज़रिया बनेंगे। अब घरों में, मुसलमान माशरे में भी चूँकि आज़ादी के नाम से वबा आ गई है, बेपर्दगी है, आज़ादी है और ये चीज़ें हैं, तो वो फिर बेसुकूनी का ज़रिया बनती हैं ज़्यादातर। देखें एक चीज़ है फितरी, एक कभी किसी बात पर इख्तलाफ हो जाना, उसको बेसुकूनी नहीं कहते, वो तो हर घर में होगा कभी ना कभी। बेसुकूनी और चीज़ है कि एक दूसरे के लिए मुसीबत बन गए, तो ये ढूंढना चाहिए अंदर के मेरे क्या क्या कसूर हैं, यहाँ कहाँ कहाँ गलती हुई है। लोग औरतों को नरमी से बर्ताव करते हैं और वो नरमी शरीयत की हदूद में भी बरतते हैं, जिसकी वजह से मुसीबत आती है। नरमी की हद यह कि ज़ाती मामलात में नरमी करें कि अगर मेरी खिदमत में कमी हो गई कोई मसला नहीं, मेरी कोई डिमांड पूरी हो गई कोई बात नहीं, लेकिन अगर अल्लाह के हदूद को तोड़ती है तो उसमें नाराज़ होना चाहिए, उसमें सख्ती करें। नमाज में कोताही है, पर्दे में कोताही है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसमें अगर शोहर रुकावट नहीं डालता, नरमी करता है, तो फिर वो इंतज़ार करे, उसके वबाल आएंगे उस पर भी, आखिरत में तो होगा ही, दुनिया में भी आएंगे, आते हैं फिर। और गीबतें हो रही हैं, बुराइयाँ हो रही हैं, नुकसानात जैसे होता है ख़वातीन की आदत, उसमें रिकॉर्ड रोक रुकावट डाली जाए, ये गुनाह है, नाजायज़ चीज़ें, जुल्म है, ये चीज़ें ना की जाए। हमने बुज़ुर्गों से सुना, गालिबन हदीस भी है, कि जब कोई आदमी किसी प्यारे की वजह से अल्लाह की नाफरमानी करता है, अपने किसी प्यारे की वजह से, अल्लाह ताला उसी प्यारे को उस पर मुसल्लत कर देते हैं, चाहे प्यारा वो औलाद हो, चाहे प्यारा वो बीवी हो, या प्यारा कोई दोस्त हो, उसकी वजह से अल्लाह की नाफरमानी करता है, बीवी बच्चों की वजह से नाजायज़ आमदन इख्तियार करता है, हराम, कि उनको खिलाऊंगा मैं बेटे के लिए, जी वो कितना खुश होगा, बीवी को ये चीज़ दूंगा वो कितनी खुश होगी,
वो इन्हीं को खुश करने के लिए कर रहा है, या और कोई भी अल्लाह की नाफरमानी करता है ये चीज़ उनको ले करके दूँ। तो नतीजतन फरमाया कि वही मुसल्लत होंगे तकलीफ़ पहुँचाने के लिए, वही अजाब बनेंगे। और अगर बहुत सारी ख्वाहिशें हैं लेकिन वसाइल नहीं हैं और नाजायज़ तरीके से पूरा करने के बजाय आदमी अपने जज्बात को कुचल कर रख देता है, कहते हैं अल्लाह मालिक है बच्चों के लिए जो नसीब है बस ठीक है हलाल के अंदर, तो अल्लाह ताला उनको दुनिया में भी अता करेंगे, आखिरत में भी अता करेंगे, उसको भी राज़ी करेंगे, उनको भी राज़ी करेंगे। अल्लाह की नाफरमानी के रास्ते में अगर वो नहीं चलेगा उनको खुश करने के लिए, यही बात बीवी की भी है। तो खुलासा क्या है, बात लंबी ना हो जाए, मुख्तसर करूँगा। खुलासा यह है कि बीवी फरमाया कि हमने इसलिए अता की आदम अलैहिस्सलाम को ताकि वो उनसे आकर के सुकून पकड़े, उनसे पास आए तो सुकून हो। और एक नेक खातून के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने शोहर के लिए सुकून का बायस हो। अगर वो बिला वजह उसके लिए सुकून बर्बाद करती है, बद अखलाकी करती है, तो उसके लिए इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है, इससे बड़ा अजाब उसके लिए कोई नहीं है कि एक शरीफ और बाअख़लाक मुसलमान नेक खाविंद को अगर वो बेसुकून करती है कभी तो फिर वो नहीं बचेगी, वो गिरफ्त में आएगी और दुनिया में भी और आखिरत में भी, उसको तो डरना चाहिए इससे। लेकिन मर्दों को ये अपनी तरफ से पूरा इंतज़ाम करना चाहिए कि जो बेसुकूनी के असबाब हैं कि बेसुकूनी के रास्ते पर बीवी या बच्चे जा सकते हैं, उसकी एक वजह यह भी है कि दीन के मामले में मैं नरमी करूंगा तो फिर ये मेरी बेसुकूनी का ज़रिया बन जाएंगे। तो दीन के मामले में रोक टोक रहे, उनको समझाता रहे, आप खुद भी दीन पर कायम रहे। और ऐसी चीज़ें हैं जो बिलाखर बेसुकूनी का ज़रिया बनते हैं, जैसे बेपर्दगी है, बेहयाई है, तो ये चीज़ें तो फिर बनेंगी बेसुकूनी का ज़रिया। इस पर भी नज़र रहे, इसकी भी फिक्र रहे, तो फिर ये होगा कि इंशाल्लाह कम से कम मौका आएगा इसका कि वो बेसुकूनी का ज़रिया बने। तो औरत बेसुकूनी का ज़रिया अपनी फितरत और तबीयत के लिहाज से नहीं है, फितरत और तबीयत के लिहाज से औरत सुकून का ही ज़रिया। ये अजीब अल्लाह का निज़ाम है, जब तक बच्चा छोटा होता है उसे माँ के पास ही सुकून आता है, बाप के पास नहीं आता, चाहे बाप कितना ही शफीक क्यों ना हो, उसे माँ के, माँ कितनी सख्त क्यों ना हो, उसे माँ के पास सुकून आता है। और जब शादी हो तो मर्द के लिए जैसी कैसी भी बीवी हो उसे बेशुमार परेशानियों मामलात में सुकून घर में ही आता है, बीवी के साथ ही आता है। अब सुकून, सुकून की कैटेगरी मुख्तलिफ है लेकिन हकीकत में सुकून वही है। अब उसको बेहतर बनाना, उसको अच्छा बनाना, ये मर्द की दानिशमंदी है, मर्द की अक्लमंदी है कि ये जो जो गोहर मौजूद है, जो जो हीरा अल्लाह ने दिया है, तो इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा सुकून का बायस बनाऊँ, गुनाहों के रास्ते से नहीं, नरमी से, अखलाक से, और उसकी उसके अच्छे रवैये से, अच्छी हिकमत अमली से, और बात में गुस्सा न करना, चिड़चिड़ा ना होना, टाल देना, उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देना, खुद बात को फितने और झगड़े की तरफ न ले जाने देना, ये मर्द की ज़रूरत होती है, जिम्मेदारी होती है, ना कि औरत की। औरत कम समझ भी होती है, जज्बाती भी होती है, वो अभी कुछ ऐसी बात कह देगी कि आदमी सोचता है कि जैसे इसके साथ मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है, लेकिन वो ऐसी ही है, ज़ुबान से ही है, ऊपर ऊपर से, अंदर से बिल्कुल नहीं हो, ऐसा कभी भी नहीं होता। औरत नहायत वफादार होती है, ऊपर से कह देगी, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको तकलीफ हो तो सबसे पहले वही उठेगी। एक आदमी ने कहा कि रात को बीवी को प्यास लगी, उसने कहा कि प्यास लगी हुई है, तो मैंने कहा पानी पीकर कहा होगा, अभी सुस्ती हो रही है कौन जाए। थोड़ी देर बाद मैंने कहा मुझे प्यास लगी हुई है, तो जल्दी से उठकर चली गई पानी ले आई, तो मैंने कहा खुद बैठ करके पी लो। उसने कहा कि आपने मंगवाया, कहा मैंने इसलिए मंगवाया कि मेरे लिए तो तुम चली जाओगे, अपने लिए नहीं जाओगे। ये औरत की फितरत है, बहुत अच्छी फितरत अल्लाह ने बनाई है मर्द के सुकून के लिए, उसके अंदर एक
तभी तौर पर कमजोरी या टेढ़ापन है, उसको मर्द को बर्दाश्त करना चाहिए। मर्द को मुकाबला नहीं करना चाहिए कि तेरी ऐसी की तैसी तुम्हें तोड़ कर रखूंगा। ये मुकाबला मर्द के साथ करे, औरत के साथ नहीं। बहुत शौक है ना किसी को मुकाबला करने का, सर पटावल का शौक होता है, बाद को मैं दिमाग होता है मेंढू जैसा टक्कर मारो, तो उसको मर्द ढूंढना चाहिए। औरत से दरगुजर करें, मुआफ़ करें, नज़रअंदाज करें। हज़ार बद अखलाकी के बावजूद वो आपकी इतनी खिदमत करती है कि आप ज़रा ठंडे दिल से सोचें तो आपको सारी उसकी बद अखलाकी माफ़ करने का जी चाहेगा। हज़ार बद अखलाकी के बावजूद घर आपका वही चला रही है, उसी के साथ घर चल रहा है, उसी के साथ बच्चे हैं, उसी के साथ आपका सारा सिस्टम चल रहा है, सारा निज़ाम चल रहा है। ये पूरा एक स्ट्रक्चर जो कायम है उसी के साथ, उसको हटा दो नीचे से धड़ाम से सब कुछ गिर जाएगा। मैंने ऐसे लोग देखे हैं परेशान हाल, कि उनकी परेशानी को देख कर रहे हैं माता था। पहले परेशान थे बीवी से तलाक जुदाई होने के बाद, ज्यादा पर उन्होंने कहा कि वो तो कोई परेशान, अब पता चला परेशानी किसको कहते हैं, सब कुछ बिखर गया। तो इसलिए ये थोड़ी बात तफसील इसलिए कि औरतों को भी ये चाहिए कि अल्लाह ताला ने जब फरमाया है कि उसको मैंने मर्द के सुकून का जरिया बनाया, तो उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि वह सुकून का ही जरिया हो। और ये बेशक अपनी ख्वातीन को अच्छे अंदाज में बताया जा सकता है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने निकाह और शादी की गर्ज़ो गायद ये बताई है कि वो मर्द के लिए सुकून का बायस हो। औरत जितनी इस सिलसिले में अच्छी होगी, उतनी ही दोनों की ज़िंदगी और बच्चों की ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। उसको भी सब्र से काम लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि घर में बेसुकूनी ना आए। बेसुकूनी लड़ाई से आती है। ख्वाहिशात तो कभी भी दुनिया में पूरी नहीं हो सकती हैं। किसी को अगर बहुत सारी मिल जाए तो उसको और नई ख्वाहिशें पैदा हो जाएंगी, वो कहेगी मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो ख्वाहिशों के पीछे ना चले, जो मैसर है उस पर शुक्र अदा करें। तो यहाँ भी यही फरमाया कि अल्लाह ताला ने ये आदम अलैहिस्सलाम से तुम सबको पैदा किया और उनकी बीवी को भी उन्हीं से पैदा किया ताकि आदम अलैहिस्सलाम उनसे सुकून हासिल करें। अल्लाह ताला सबको घरों में सुकून अता फरमाए। आगे जो अगली आयत थी वो इंशाल्लाह कल करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।